समूचे उत्तराखंड के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिकंदराबाद में ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया है, जिसके बाद से जहां शहीद जवान के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी विकास खंड के स्वाणी तोक निवासी 42 वर्षीय मेजर हरीश चंद्र मेलकानी पुत्र रामदत्त मेलकानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में EMI रिकॉर्ड में तैनात थे। परिजनों के मुताबिक बीते शनिवार शाम वे अपने 12 वर्षीय पुत्र वैभव के साथ स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वे स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकले तो उनके पुत्र वैभव ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सेना के लोग मौके पर पहुंचे और मेजर हरीश चंद्र को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हरीश मेलकानी बचपन से ही बेहद होनहार थे। करीब 22 वर्ष पहले वे सेना में भर्ती हुए थे और कुछ साल पहले वे मेजर बने थे। इससे पूर्व में वे कुमाऊं रेजिमेंट में भी तैनात रह चुके थे। आज सोमवार को मेजर हरीश मेलकानी का अंतिम संस्कार जागेश्वर धाम के घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 19 कुमाऊं, 22 राजपूत और EMI रेजिमेंट के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सलामी दी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।